दोस्तों, मंजिल पाने की उम्मीद कभी मत छोड़िए। मंजिल पाने की उम्मीद कभी मत छोड़िए, क्योंकि सूरज डूबने के बाद ही दोबारा सवेरा होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ बाय क्लिक ऑन माइंड एकेडमी में। तो आइए दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं नंबर सिस्टम के पार्ट 3 की ओर। तो दोस्तों, इस पार्ट के अंदर आज हम आपको दिखाएंगे कि आप संख्याओं के साथ कैसे खेलोगे, यानी संख्याओं की काउंटिंग कैसे करोगे, संख्याओं को गिनोगे कैसे, वो भी ट्रिक के माध्यम से। दोस्तों आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल लेने जा रहा हूं। जैसे मैंने कहा कि दो अंकों वाली कितनी संख्याएं होती हैं, दो अंकों वाली कितनी संख्याएं होती हैं। ऐसे पूछा गया कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं होती हैं, 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं होती हैं, 5 अंकों वाली कितनी संख्याएं होती हैं, ऐसे ही 7 अंकों वाली कितनी संख्याएं होती हैं, 8 अंकों वाली कितनी संख्याएं होती हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, जिनको अगर हम काउंटिंग करने लग जाएं तो हमारा काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगर आपको ट्रिक नहीं पता तो दोस्तों, कोई भी बच्चा इसको आसानी से इसका आंसर नहीं दे पाएगा। तो अब मैं आपको मात्र 5 सेकंड के अंदर इन क्वेश्चनों का रिप्लाई, जवाब देना सिखाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले बढ़ते हैं कि 2 अंकों वाली संख्याएं। दोस्तों आप जानते होंगे कि 10 से 2 अंकों वाली संख्याएं स्टार्ट हो जाती हैं। सबसे छोटी 2 अंक वाली संख्या अगर बात करें तो 10 होती है। 9 तक तो क्या होता है, 1 अंक वाली संख्याएं होती हैं। 10 से 2 अंक वाली संख्याएं स्टार्ट हो जाती हैं और कहां तक चलती हैं, 99 तक। 10 से लेकर 99 तक 2 अंकों वाली संख्याएं चलती हैं। तो यहां पर यही पूछा गया है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं होती हैं। उसके बाद 3 अंकों वाली 100 से स्टार्ट होकर 999 यानी 999 तक 3 अंकों वाली संख्याएं गिनी जाती हैं। तो अब इनका आंसर कैसे दोगे, तो उसके बारे में जिक्र कर लेते हैं। तो आपने क्या करना है, जब भी आपसे पूछा जाए 2 अंक वाली कितनी संख्याएं होती हैं, 5 अंक वाली कितनी होती हैं, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले 9 तो लगाना ही लगाना है। जितनी भी संख्याएं बनेंगी उनकी शुरुआत 9 से होगी, चाहे 3 अंकों वाली संख्याएं हो, चाहे 5 अंकों वाली संख्याएं हो, चाहे 8 अंकों वाली संख्याएं हो, उसकी जो शुरुआत होगी वो 9 से होगी। तो क्या याद रखना है, 9 तो आपने लगाना ही लगाना है। उसके बाद 2 अंकों की बात हुई है, 1 अंक तो 9 लग गया और पीछे आपने 0 लगाते जाना है। ये लो, मैंने 1 0 लगा दी। अब सोचोगे कि 1 0 लगाए, 2 लगाए, 3 लगाए, इसका कैसे पता चलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, 9 तो लग ही गया, एक संख्या तो 9 ने कवर कर ली। उसके बाद 2 अंकों वाली संख्या का क्वेश्चन की बात हो रही है तो 1 0 पीछे लग जाएगी। तो क्या आया आंसर कि 2 अंकों वाली 90 संख्याएं होती हैं। अब बढ़ते हैं 3 अंकों वाली संख्याएं, तो 9 तो लगाना ही लगाना है, तो बताओ कितनी 0 लगाएं कि 3 संख्या बन जाए, 2 0 लगा दो, तो क्या आंसर आ गया, 900। 4 अंकों की बात आएगी तो 9 के पीछे कितनी 0 लग जाएंगी, 3 0 लगा दी। 5 अंकों वाली बात आएगी तो 9 के पीछे कितनी 0, 4 लग जाएंगी। 7 अंकों वाली बात आएगी तो 9 के पीछे कितनी 0 लगा देंगे, 6 0 लगा देंगे। और 8 अंकों वाली बात आएगी तो 9 के पीछे 7 0 लगा देंगे, कितनी 0 लग जाएंगी, 7 लग जाएंगी। तो ये था हमारा आज का पहला टाइप नंबर सिस्टम के अंदर पार्ट 3 के अंदर कि आप संख्याओं की कैसे काउंटिंग करोगे, तो ये मैंने आपको सिखाया। तो आइए सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो सेकंड पार्ट में हम क्या देखेंगे, सेकंड पार्ट के अंदर देखते हैं, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड के अंदर मैंने आपसे जैसे पूछ लिया कि 100 से
300 के बीच, 100 से 300 के बीच, अब बीच की बात हुई है ध्यान देना, 100 से लेकर 300 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो सदा 5 से विभाजित होती हैं, जो सदा 5 से विभाजित होती हैं। काफी फेमस एग्जाम की दृष्टि से काफी फेमस ये टॉपिक है, ये वाला कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझिएगा। अभी बस 5 मिनट में सारा टॉपिक क्लियर कर दिया जाएगा। 100 से 300 के बीच में, 100 से 200 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 12 से विभाजित होती हैं, ऐसे 200 से लेकर 400 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 और 10 से भाग होती हैं, दो संख्या भी दे सकता है, ऐसे ही 200 से लेकर 600 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5, 10, 15 से विभाजित होती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इस क्वेश्चन को समझिएगा कि इसका मीनिंग क्या है। उसने क्या पूछा है कि 100 से लेकर 300 के बीच में, तो अब यहां पर बीच शब्द यूज किया है, एक बीच शब्द लगता है और एक तक, जैसे एक नीचे क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, दो टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे लिखा कि 100 से लेकर 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 10 से पूर्णतया विभाजित होती हैं, जो 10 से पूर्णतया विभाजित होती हैं। तो दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो पूछेगा बीच शब्द यूज किया और दूसरा तक, दोनों में फर्क है, देखने में क्वेश्चन सेम नजर आएगा, आंसर भी सेम मिल जाएगा ऑप्शन, लेकिन दोनों का आंसर अलग अलग आएगा। तो यही ध्यान से सीखिएगा। तो आपने क्या करना है, इसका मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ नजर मारिए कि 100 से लेकर 300 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित हो जाती हैं। तो दोस्तों ट्रिक के माध्यम से ही कर पाओगे, वैसे ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो इसका मीनिंग सुनिए, 100 से लेकर 300 के बीच में, पहले मैं करवाने जा रहा हूं बीच वाले क्वेश्चन, तो आपने क्या करना है, 100 के बाद कौन सी संख्या आएगी, 101, और 300 से पहले कौन सी संख्या आएगी, 299। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को सेट करना है, जब भी बीच वाली कंडीशन आती है तो आप पहले क्वेश्चन को सेट करोगे, इसमें भी क्या लिखोगे, 100 को लिखोगे 101 और 200 को 199, इसमें क्या लिखोगे, 200 को 199 और 400 को क्या लिखोगे, 399, ऐसे इसको 201 लिखोगे और 600 को 599। दोस्तों ये बीच वाले क्वेश्चनों की बात कर रहा हूं, तक वाले नहीं, तक वाले में आपने ऐसे नहीं लिखना, बीच वाले क्वेश्चनों में ये चीज आपने पहले क्वेश्चन को चेंज करना है, क्योंकि बीच की संख्याएं पूछा है, तो आप 100 और 300 को नहीं ले सकते। तो अब देखिए क्या करना है, सबसे पहले इस तरह लिख लिया, अब इनको पलट दीजिए, पहले बड़ा लिखिए फिर छोटा लिखिए, ये लो 299 माइनस 101, हमेशा आगे बड़ा लिखिए फिर छोटा लिखिए। अब इसको क्या करना है, जिससे वो भाग करने को कहे उससे भाग दे दीजिए, इसने यहां पर एक ही संख्या 5 से कहा, तो आप इसको 5 से डिवाइड कीजिए, आपने पूरा पूरा भागफल लेना होता है। जब इसको मैंने किया तो 5 को 5 से करा 25, 49, फिर किस पर जाएगा 9 पर, तो यहां क्या मिला 59, शेष नहीं लेना, प्रॉपर भागफल लेना है। और इसको करेंगे तो ये जाएगा 5 गुणी 10 यानी कि 20 पर, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 39। तो 100 से लेकर 300 के बीच में टोटल 39 संख्याएं होती हैं जो 5 से पूरी पूरी भाग हो जाएंगी। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, सेकंड क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, थर्ड में देखिए 200 से लेकर 400 के बीच में, तो पहले क्या लोगे,
399 और फिर लोगे 199। अब यहां पर आपको दो संख्याएं नजर आ रही हैं, ऊपर वाले में तो एक संख्या थी, एक एक रख के डिवाइड कर दिया था, यहां पर संख्याएं दो हैं, तो क्या करोगे, चाहे दो दे दे और नीचे वाले क्वेश्चन में तीन संख्याएं दे रखी हैं, तो आपने उनको एक बनाना है पहले। और एक कैसे बनाओगे, एलसीएम के माध्यम से। क्या सीखा, एलसीएम के माध्यम से एक संख्या बनाओगे, तो पांच और दस का एलसीएम क्या आएगा, दस आएगा, तो आप इनको दस से डिवाइड कर दीजिए। जब करेंगे तो यहां पर मुझे क्या मिला, तीन पर गया 30 उसके बाद 90 तो 39 और यहां पर क्या आ जाएगा, 1 आ गया उसके बाद 9, तो आंसर क्या मिला, 20 संख्याएं जो 5 और 10 से विभाजित हो जाएंगी। तो ये था दोस्तों बीच वाला टॉपिक। अब बात करते हैं जब तक वाली कंडीशन लग जाए कि 100 से लेकर 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 10 से विभाजित होती हैं, तो अब आपने इनको चेंज नहीं करना क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन है उसको वैसे का वैसे ही रखना है। तो पहले 200 ले लीजिए, फिर 100 ले लीजिए और दोनों को क्या कीजिए, 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहां 20 मिला और यहां 10 मिला, तो हमारा आंसर क्या हो चुका है कि 10 ऐसी संख्याएं हैं जो 100 और 200 तक, 10 ऐसी संख्याएं हैं जो 10 से विभाजित हो जाएंगी। तो ये था दोस्तों आज का नंबर सिस्टम पार्ट 3 के अंदर। आज आपको मैंने दो मेन कॉन्सेप्ट करवाए जो एग्जाम के अंदर कई बार पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यही स्टॉप करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।